वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे क्या है, ड्राइंग करना बहुत मतलब शौक है मुझे बचपन से ही। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं खुद से बनाती हूँ। तो जब मैं खुश रहती हूँ, खुश मन रहता है ना, तो मैं ड्राइंग करती हूँ। ऐसा मन लगता है कि खूब सारी ड्राइंग करूँ। तो ये रही शीरिन की ड्राइंग बुक, और ये शीरिन की हिंदी की बुक है। जो उसमें मैंने देखा कितनी प्यारी ड्राइंग बनी हुई है, सामने एकदम नेचर्स बना हुआ है, फ्लावर वगैरह, बटरफ्लाई है, स्पैरो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको, और इतनी सारी हनी भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं ड्राइंग में बनाऊं, कितना खूबसूरत लगेगा। और इसमें इतनी प्यारा दिया है, इतना प्यारी पिक्चर्स दी हैं कि हनी भी एकदम मुस्कुरा रही है आँख बंद करके कितने अच्छे से, और फ्लावर भी इतने अच्छे खुश हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बनाऊँ। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर और हनी भी बनाया है। बताइएगा कैसा बनाया है। और ये क्या है, मैं बनाते जा रही थी, फिर उसको रिकॉर्ड करते जा रही थी, और ये रही पूरी पिक्चर्स। ये देखिए इतना अब मैंने बना दी हूँ, इतनी सारी बन चुकी है। और इसको क्या है, मैं कलर नहीं करूँगी, इसको सेडिट करूँगी, आगे दिखाऊँगी आपको मैं कि मैंने क्या क्या की हूँ इसमें। अभी तो फिलहाल मैंने ये पिक्चर्स बनाई। देखिए ऊपर का मैंने जैसा दिया है मधुबन के ऊपर, जो है स्पैरो और फ्लावर, और उसमें दूसरा पैरोट बैठा हुआ है। ये देखिए दिख रहा है ना, ये सेम मैंने, और बटरफ्लाई। और मैंने इसमें क्या है, जब मैंने पिक्चर नज्जू को दिखाया तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई एक एक बारीकी से कैसे बना सकता। उन्होंने करीब 3 से 4 दिन मेरी तारीफ की और इस फोटो के बारे में सोचे कि इतनी बारीकी से तुमने कैसे बनाई। मैंने क्या, एक एक पत्तियाँ लीव से लेके उसमें कोई भी चीज़ ऐसा था जो कि छूटा नहीं है। मैंने सारी चीज़ें सेम की सेम टू सेम बिल्कुल की हूँ, एक इधर से उधर पत्ती भी नहीं वो हुई है, छोटी है। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बारीकी से, कहीं देना नहीं है, कुछ नहीं, खुद का शौक है, जस्ट बनाना है, उसमें भी इतनी बारीकी से कौन बनाता है। तो इतने खुश हुए कि बताओ, कोई भी चीज़ अगर मेरी आदत है, कोई भी चीज़ करने का मैंने ठान ली तो फिर उसको एकदम बहुत अच्छे से परफेक्टली करती हूँ। तो जैसे मैं ड्राइंग कर रही थी, ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया कर दिया, ऐसे नहीं, बनाना है तो पूरी अच्छे से। देखिए मैंने बिल्कुल पूरी की पूरी सेम टू सेम बनाया है। तो बहुत खुशी हो रही थी बनने के बाद। फिर मैं काफ़ी थक गई थी, तो फिर क्या हुआ कि मैंने इसके आगे इसको सेडिट नहीं की हूँ, फिर किसी और दिन सेडिट करूँगी, तो मैं किसी भी वीडियो में डाल दूँगी इंशाल्लाह। बट अभी मैंने सिर्फ इसको ड्राइंग ही किया है, ये देखिए, और हल्की पेंसिल से ही किया है। और क्या होता है, जब मैं ड्राइंग करती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाती हूँ, और उसके बाद मिटाने का भी बहुत कम रहता है मेरा, कि मैं ऐसा बाई चांस ही होता है कि मुझे रबड़ यूज़ हो, नहीं तो मैं रबड़ यूज़ इरेजर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिंगल सिंगल ही बना लेती हूँ हर चीज़ें। तो आप देख रहे हैं, उसकी बुक है शीरिन की 5th क्लास की, और ये रही ड्राइंग जो मैंने बनाई उसकी ड्राइंग बुक में। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये मेरा शौक है, पैसन है, और ये चीज़ें मेरे अंदर बचपन से आई हैं। ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है, ना मैंने सीखा है। और इसके बाद शीरिन के स्कूल में ड्राइंग बनाना था, पूरे जंगल की बनाना था। ये देखिए, ये भी मैंने फिर उसके यानी स्कूल के लिए बना के दी, क्योंकि शीरिन अभी छोटी, इतना तो नहीं बना पाएगी, बट उनकी मैम ने बोली। तो ये मैंने फिर शीरिन की ड्राइंग बुक में शीरिन के लिए बनाई थी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।